जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है तो पूरे देश में दिवाली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो दिवाली की शुरुआत धनतेरस वाले दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की परंपरा है, तो वहीं देश में दूसरी तरफ धनतेरस से एक दिन पहले यानी आज सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी पूजन होता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस से ही दीपोत्सव की शुरुआत की जाती है। इस साल यह पर्व 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस वाले दिन वैसे तो सुबह से ही मार्केट में भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज्यादा हो तो खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। धनतेरस पर इस बार 3 ग्रहों की युति के अलावा त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस योग में खरीदारी से 3 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं त्रिपुष्कर योग के बारे में और इस दिन आपके लिए सोना चांदी खरीदना किस तरह से शुभ होगा। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र ने बताया कि इस बार धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका आपको 3 गुना फल मिलता है, इसीलिए इस दिन कोई भी बुरा काम करने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, तो वहीं त्रिपुष्कर योग में सोना चांदी खरीदने के अलावा निवेश के लिए भी अच्छा मौका होता है। इस बार इस दिन 3 ग्रहों की युति बन रही है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ तुला राशि में विराजमान होंगे। वहीं इस दिन हस्त नक्षत्र भी बन रहा है। ये नक्षत्र 11:43 से देर रात्रि तक रहेगा। इस नक्षत्र में खरीदारी करना बेहद शुभ रहेगा। वहीं व्यापारियों को इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करने या खरीदारी करने से बड़ा लाभ हो सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।